क्लास क्लास 8 एट मैथ्स चैप्टर 14 एक्सरसाइज 14.2 क्वेश्चन फर्स्ट फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। फर्स्ट पार्ट आपके पास है ए स्क्वायर प्लस 8 ए प्लस 16। इसको फैक्टराइज करना है। आप देखो इसे थ्री टर्म्स हैं। थ्री टर्म में आप देखोगे कि ये बाद वाला भी किसी का स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है लिख लो नीचे, ये तो ए स्क्वायर है। ब्रैकेट में डाल के लिख लो, थोड़ा सा समझ में सही आएगा। 16 4 का स्क्वायर है। बीच में क्या लिखना है, एक आइडेंटिटी है हमारी, मैं तुम्हें बताता हूं। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर, ये आइडेंटिटी है। तो हमें क्वेश्चन देख के ऐसी और भी आइडेंटिटी है, हमें अंदाजा लगाना पड़ेगा कि ये किस आइडेंटिटी जैसा है। ये इस आइडेंटिटी जैसा है क्वेश्चन, कि फर्स्ट का भी स्क्वायर लास्ट का भी स्क्वायर। अब बीच में क्या है, प्लस में प्लस है, फिर टू है, टू लिख लो। ए यानी फर्स्ट वाली टर्म, तो ए लिख लो ब्रैकेट डाल के, और बी, बी यानी बाद में जो जिसका स्क्वायर है वो बी है, यानी फोर फोर प्लस। इसे मन में सोल्व करके देखो, 4 2 8 ए बिल्कुल ऊपर वाले के जैसा है ना, यानी 8 ए की जगह में 2a * 4 लिख सकता हूँ। अब ये बिल्कुल मेरी इस आइडेंटिटी की तरह सेट हो गया। ए स्क्वायर ये रहा 2ab, तो 2 a * b यानी 4, बी का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16। तो इस क्वेश्चन को मैंने इस फॉर्मेट में सेट कर दिया है, और इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग, इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग ये फॉर्मेट किसके बराबर है, ए प्लस बी होल स्क्वायर के, ए प्लस बी होल स्क्वायर के बराबर है। तो हम ए प्लस बी, बी क्या हमारा 4 है, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे 4। स्क्वायर है दो बार लिख दो, स्क्वायर मतलब दो बार, तो ए प्लस 4 और ए प्लस 4, इसी को फैक्टराइजेशन कहते हैं। बचपन में तुम फैक्टराइजेशन लिखते थे, जैसे 6 था, 6 को फैक्टराइजेशन करते थे तो 2 * 3 कर देते थे, ऐसा ही करते थे ना। तो यहाँ पे क्या है, 6 की जगह ये पूरी एक इक्वेशन दे दी, और ऐसे दो पार्ट्स में तीन में जितने भी कन्वर्ट होता करो कि उन्हें मल्टीप्लाई करके यही आए। तो ये हमने आइडेंटिटी का यूज किया, और इसके अकॉर्डिंग हमने इसको क्या किया, फैक्टराइज कर दिया। ऐसे ही अब सेकंड पार्ट हम देखते हैं। सेकंड पार्ट हमारे पास है पी स्क्वायर माइनस 10p प्लस 25। अब यहाँ पे माइनस है, तो माइनस की हमारी एक और आइडेंटिटी है, मैं साथ में लिखता हूँ, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी होल स्क्वायर, ये वाली आइडेंटिटी, ये आइडेंटिटी है। तो ये क्वेश्चन इस आइडेंटिटी जैसा है। आप सारी आइडेंटिटी याद कर लो, क्वेश्चन देखते हैं आपको ध्यान आ जाएगा किस आइडेंटिटी जैसा क्वेश्चन है। तो देखो पी स्क्वायर, तो ए की जगह पर क्या है, यहाँ पी है। लास्ट में किसका स्क्वायर है, 25, 5 का स्क्वायर है। आप सबके स्क्वायर याद रखो, कम से कम 20 तक तो स्क्वायर याद रखो। बीच में क्या, माइनस 2 भी, तो माइनस 2 ब्रैकेट में ए यानी पी और बी यानी 5। तो अब ये बिल्कुल आइडेंटिटी के फॉर्मेट में सेट हो गया। आंसर क्या, ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए की जगह पी माइनस बी की जगह 5 और ब्रैकेट लगा के होल स्क्वायर। तो दो बार लिख लो, पी माइनस 5 और पी माइनस 5, ये आपका आंसर है। क्लियर है। थर्ड पार्ट देखो अब आप। थर्ड पार्ट में आपके पास है 25m² प्लस 30m प्लस 9। अब ये थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन पहले वाली आइडेंटिटी जैसा, ये तो फर्स्ट थी हमारी, ये फर्स्ट वाली आइडेंटिटी। तीन टर्म है, 1 2 3, ये भी किसी का स्क्वायर, ये भी, और बीच में, तो ये ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर यानी ए प्लस बी होल स्क्वायर, ये आइडेंटिटी लगेगी। कैसे लगेगी,
सबसे पहले तो ध्यान रखो कि 25 m² है, हमें कुछ ब्रैकेट में लिखना है और उसका होल स्क्वायर होना चाहिए 25 m². अब अंदर में 25 m लिख दूंगा तो 25 का स्क्वायर तो 625 हो जाएगा, तो 25 की जगह मैं लिखूंगा 5 और m एज इट इज, क्योंकि अब 5 का स्क्वायर 25 और m² तो 25 m² को मैं 5 m होल स्क्वायर लिखूंगा। और ऐसी लास्ट में 9 को मैं लिखूंगा 3 स्क्वायर। मुझे हमेशा a और b फाइंड आउट करना होता तो a की वैल्यू पता लगी मुझे 5m, ब्रैकेट में शो कर दूं a इक्वल टू 5m और b इक्वल टू 3। a किसके इक्वल 5m के और b किसके इक्वल 3 के इक्वल, और ब्रैकेट में क्या आएगा बीच में 2ab 2, a की वैल्यू यानी ब्रैकेट में 5m और b की वैल्यू 3। आप है ना रफली मन में इसे मल्टीप्लाई करके चेक कर लो ये 30m आ रहा है या नहीं आ रहा है। 5 × 2 = 10, 10 × 3 = 30m आ रहा है, यानी हमने सारा काम सही किया, a और b सही मान लिया हमने। तो बस सीधा आंसर लिख दो a + b² यानी 5m + 3² ठीक है। फोर्थ पार्ट, तो फोर्थ पार्ट क्या कहता है देखना, 49y² + 84yz + 36z² ये आपका फोर्थ क्वेश्चन है। तो सेम इसमें भी फॉर्मूला हमारा इसी तरह से लगेगा, फर्स्ट फॉर्मूला वही लगेगा जो बार बार हम लगा रहे हैं, a² + 2ab + b² फिर ये स्पेशल क्या है आप देखो, 49y² किसका स्क्वायर है 7, 49 किसका स्क्वायर है 7 का, तो हम लिखेंगे 7y ब्रैकेट डाल के होल स्क्वायर। ऐसी 36 किसका स्क्वायर होता है 6 का, तो यहाँ लिखेंगे 6z ब्रैकेट डाल के होल स्क्वायर, फिर प्लस के साइन के नीचे प्लस, फिर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 2 और फिर ब्रैकेट में a, अब इसे नहीं देखेंगे a यहाँ देखेंगे 7y फिर ब्रैकेट फिर b यानी यहाँ देखेंगे 6z और फिर प्लस, तो ये किसकी आइडेंटिटी है a² + 2b + b² a यानी 7y प्लस बी यानी 6z और होल स्क्वायर, बताया था स्क्वायर है तो दो बार लिखो, तो 7y + 6z और दूसरे ब्रैकेट में भी 7y + 6z ये आपका आंसर है। आइडेंटिटी कौन सी लगी a² + 2ab + b² = a + b² ये आपकी आइडेंटिटी, जरूर लिखनी है हर क्वेश्चन में आइडेंटिटी, ध्यान रखना। फोर्थ के बाद फिफ्थ पार्ट आपका, फिफ्थ पार्ट में आपको क्या करना है, 4x² - 8x + 4, तो 4 किसका स्क्वायर है 2 का x एज इट इज, और अब इसके ऊपर कर दो होल स्क्वायर, लास्ट में 4 किसका है 2 और स्क्वायर, बीच में क्या लिखेंगे ये माइनस है तो यहाँ भी माइनस 2 ब्रैकेट में a यानी 2x, फिर दूसरे ब्रैकेट में b यानी 2, तो a² - 2ab + b² किसकी आइडेंटिटी a - b² की। अब एक चीज इसमें से आप ध्यान दे सकते हो, इसमें से 2 कॉमन ले सकते हो, पहले तो दो बार लिख लो इन्हें 2x - 2 और 2x - 2, यहां से 2 कॉमन ले लो तो 2 ब्रैकेट बचता है x - 1, यहां से भी इनटू में 2 कॉमन ले लो तो अंदर ब्रैकेट में x - 1, तो 2 × 2 = 4 आपके फैक्टर है 4x - 1 और x - 1 ये आपका आंसर है। नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट आपके पास, (4x² - 8x + 4) ये फिफ्थ हो गया, सिक्स्थ आपका क्वेश्चन, 121b² - 88bc + 16c². अब फिर स्क्वायर याद होना चाहिए आपको, 121 किसका स्क्वायर होता है, जिसे नहीं पता याद करो, 11 का स्क्वायर 121 होगा, तो 121 की जगह 11b और ये होल स्क्वायर,
लास्ट में 16 किसका है वो तो याद होगा, 4 का, तो 4c और ये होल स्क्वायर। तो ये किसकी जगह लिखा 121 बी स्क्वायर की जगह, ये किसकी जगह 16, तो बीच में ये बच गया। इसकी जगह क्या लिखना है, इसकी जगह लिखना है माइनस है तो माइनस, फिर 2 और ए यानी 11b और बी यानी 4c। रफली मल्टीप्लाई करके देख लो, 11 4 जा 44, 44 2 जा 88, बी सी सेम आ रहा है, यानी आपने सही यूज किया है। आइडेंटिटी क्या लगाएंगे आगे, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर। तो दो बार लिख लो अब, 11b माइनस 4c और इनटू में 11b माइनस 4c, ये आपका आंसर है, क्लियर है। क्वेश्चन 7, एल प्लस एम होल स्क्वायर माइनस 4lm। अब ये एक अलग तरह का क्वेश्चन है, आपको पहले इसे एक्सपेंड करना पड़ेगा, फिर कुछ बात बनेगी। तो कैसे एक्सपेंड करोगे, ए प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा दो, ए प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी अभी आपने पढ़ी है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये आइडेंटिटी यूज करेंगे हम इसमें। तो ये हो जाएगा आपके पास ए स्क्वायर यानी एल स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2a यानी l और b यानी बाद वाला m प्लस बी स्क्वायर यानी m स्क्वायर और माइनस एज इट इज 4lm 4lm। तो l स्क्वायर 2lm माइनस 4 दोनों लाइक टर्म्स है, 2 और 4 वाली lm, तो सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा माइनस प्लस माइनस माइनस 4 माइनस 2 2 बड़े के सामने माइनस तो यहाँ भी माइनस और lm साथ में प्लस में m स्क्वायर। अब इस पे आइडेंटिटी लगा देंगे कौन से वाली, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगा देंगे। ये तो सीधा फॉर्मूले में ही है, a की जगह क्या है l, b की जगह क्या है m, तो l माइनस m होल स्क्वायर, होल स्क्वायर तो दो बार लिख लो, l माइनस m और l माइनस एम, ये आपका आंसर है, ठीक है। एट्थ पार्ट, क्वेश्चन में लिखा है एट्थ में, ए पावर 4 प्लस 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी की पावर 4, बिल्कुल वैसे ही करना, ए की पावर 4 किसका स्क्वायर है, ए स्क्वायर का स्क्वायर है प्लस बी की पावर 4 बी स्क्वायर का स्क्वायर है। तो बीच में क्या आएगा 2a यानी पहले वाले ब्रैकेट में क्या है ए स्क्वायर, वो a हो गया, और b बाद वाले ब्रैकेट में क्या है बी स्क्वायर, तो वो b हो गया। तो ये देखो सोल्व करो, ये ऊपर वाला ही है सेम, यस है, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर a यानी a ये वाला a प्लस में b यानी ये वाला b और होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आपका आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन सेकंड देखो, फैक्टराइज फर्स्ट पार्ट 4p स्क्वायर माइनस 9q स्क्वायर। अब ये कैसे फैक्टराइज होगा, इसकी नई आइडेंटिटी लिख लो, आइडेंटिटी आपके पास है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी और ए प्लस बी। अगर कोई क्वेश्चन पीछे वाले की फॉर्मेट में नहीं है, नए फॉर्मेट में है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये आइडेंटिटी है। अब आप पहले तो 4p होल स्क्वायर, तो 4 किसका स्क्वायर है 2 का, 2 लिखो साथ में p लिखो ब्रैकेट डालो और ऊपर होल स्क्वायर डाल दो, फिर माइनस का साइन, माइनस है तो माइनस का साइन, 9q स्क्वायर, 9 किसका स्क्वायर है 3 का, क्यू एज इट इज फिर ब्रैकेट और स्क्वायर डाल दो, तो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आइडेंटिटी क्या है, ए माइनस बी ए प्लस बी, तो पहले ब्रैकेट में जो है ए बाद वाले में जो है बी, तो एक ऐसे साइन बना है इसकी तरह से, फिर ए की जगह 2p लिखा,
फिर माइनस की जगह माइनस लिखा, बी की जगह 3q लिखा, फिर ऐसे ही एक और ब्रैकेट, फिर ए प्लस बी यानी 2p + 3q, यही आपका आंसर है। ये फैक्टराइज हो गया है, इसके ये फैक्टर है। क्वेश्चन सेकंड पार्ट, सेकंड का सेकंड पार्ट 63, a² - 112 b², तो ये भी बिल्कुल वैसे ही 63, यानी अब 63 तो किसी का भी स्क्वायर नहीं है भाई, ये ध्यान देने लायक बात है। तो हम क्या करेंगे, हम दोनों नंबर को देखेंगे, कुछ कॉमन आ रहा है 63 और 112 में, 7 कॉमन आ रहा है तो 7 को कॉमन ले लेंगे। ब्रैकेट 7 9 = 63, तो 9a² - 7 1 = 7, 42, तो 7 6 = 42 b² तो 7 कॉमन लेने के बाद मैंने देखा कि 9 और 16 आ रहे हैं, तो 9 3 का स्क्वायर और 16 4 का, तो इसकी जगह अब हम क्वेश्चन को 7 बाहर रखेंगे और एक बड़ा ब्रैकेट बना लेंगे और अंदर अब इस पे फार्मूला लगा देंगे। तो 9a की जगह मैं लिखूंगा 3a² - 16b की जगह लिखूंगा 4b² यानी अब इन्हें हमने यूज कर लिया 9a² को 3a² और 4b² में। अब हम 7 को तो फिर 7 ही रखेंगे और a² - b² की आइडेंटिटी लगा देंगे, a - b a + d, तो ये हो जाएगा 3a - 4b और 3a + 4b, ये आपका आंसर। क्लियर है? थर्ड पार्ट 49x² - 36, ये तो आसान है, 49 7x² है माइनस 36 क्या 6² है, a² - b² a - b और a + b, ये आइडेंटिटी है, a² - b² की आइडेंटिटी a - b और a + b। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट 16x⁻¹ - 144x³, तो इसमें से क्या कॉमन लूं मैं, x³ कॉमन आ जाएगा मेरे पास, फिर क्या बचा यहाँ पे 16x²-144, ये बचता है। अब इसमें से मैं कॉमन ले सकता हूं, सपोज मैं 4 कॉमन ले लूं, तो 4 3 = 12 और 4 6 = 4 कॉमन ले लेता हूं बाहर, तो 4 बाहर आ गया 4x³, अंदर बचता है 4x² - 36। अब बिल्कुल सही, अब कुछ अभी भी कॉमन आ रहा है लेकिन अब मैं इसे आइडेंटिटी में यूज कर लूंगा, a² 4 2 का स्क्वायर है, 36 क्या 6 का स्क्वायर है। अगर इसे अभी भी कॉमन लेता हूं मैं, सपोज 4 फिर कॉमन ले लूं, तो 4 बाहर आके 4 4 = 16 हो जाएगा, x³ हो जाएगा, अंदर क्या बचेगा x² - 9। अब भी मैं आइडेंटिटी लगा सकता हूं कैसे, देखो 16x³, यहाँ पे पहले ब्रैकेट में x² - दूसरे ब्रैकेट में 3² और अब a² - b² की आइडेंटिटी मैं इन पे लगा सकता हूं, 16x³ x - 3 और x+3, ये आंसर आपका। फिफ्थ पार्ट में आपके पास है l + m² - l - m² तो a² - b² की आइडेंटिटी a + b और a - b। इसमें a क्या है, ये पूरा a है और b ये पूरा b है, तो a + b, तो l + m + b क्या है l - m, एक ब्रैकेट में ले लो और दूसरे ब्रैकेट में क्या ले a - b, तो a यानी l + m माइनस दूसरे में भी l - m हो गया, ये हो गया a + b a - b। लिख दो यहाँ पे a की वैल्यू l + m की है और b की वैल्यू l - m की है। अब सिंप्लीफाई करो,
सिंप्लीफाई कैसे करोगे, ब्रैकेट ओपन कर दो, एल प्लस एम प्लस में एल माइनस एम, और फिर दूसरा ब्रैकेट एल प्लस एम माइनस एल माइनस माइनस प्लस एम। इस एम से ये एम कैंसिल, एम प्लस एम माइनस जीरो हो जाएगा, एल प्लस एल माइनस ए भी जीरो हो जाएगा, तो यहां बचा एल प्लस एल टू एल, दूसरे ब्रैकेट एम प्लस एम टू एम, एक साथ लिखे टू टू जा फोर एल एम, ये आपका आंसर है। फिफ्थ पार्ट आपके पास है सिक्स, नाइन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस सिक्सटीन, तो नाइन थ्री एक्स स्क्वायर की जगह एक्स, वाई स्क्वायर की जगह वाई, और ब्रैकेट लगा के होल स्क्वायर सोल्व करोगे तो नाइन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आएगा, ऐसे ही सिक्सटीन की जगह फोर का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए माइनस बी ए प्लस बी, तो थ्री एक्स वाई माइनस फोर और थ्री एक्स वाई प्लस फोर, ये प्लस माइनस आगे पीछे भी हो सकता है, यहाँ प्लस लगा दो या माइनस, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये आपका आंसर। सेवंथ पार्ट, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर और माइनस जेड स्क्वायर, बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले इसपे आइडेंटिटी लगाओ, फर्स्ट वाले शुरू में क्वेश्चन जो थे ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस वी स्क्वायर, तो एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर और माइनस जेड स्क्वायर, तो अब इस पे इस पूरे को मान लो ए और इसको मान लो बी, तो ए स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ब्रैकेट ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये हो जाएगा, इसे सिंप्लीफाई कर लो, अच्छा ये हो जाएगा एक्स माइनस वाई प्लस जेड और ये हो जाएगा एक्स माइनस वाई माइनस जेड, ये हमारा आंसर है। एट्थ, ट्वेंटी फाइव ए स्क्वायर माइनस फोर बी स्क्वायर प्लस ट्वेंटी एट बी सी माइनस फोर्टी नाइन सी स्क्वायर, ए बी और बी सी और सी स्क्वायर हमें ऐसे चाहिए जिनपे स्क्वायर भी और जो एक साथ भी हो, तो ए बी वाला हम नहीं लेंगे, बी और सी वाला लेंगे क्योंकि बी सी एक साथ है, तो मैं इनपे पहले आइडेंटिटी लगाऊंगा, उसके लिए मैं इसे 25 ए स्क्वायर को लिख लूंगा 5 ए होल स्क्वायर, फिर माइनस कॉमन और एक बड़ा ब्रैकेट लूंगा, इन सबको अंदर लिखूंगा, 4 बी स्क्वायर प्लस में से माइनस गया तो माइनस 28 बी सी और माइनस में से माइनस गया तो प्लस ही बचेगा 49 सी स्क्वायर, 5 ए होल स्क्वायर माइनस ब्रैकेट ए स्क्वायर यानी 2 बी होल स्क्वायर, फिर लास्ट में 49 सी स्क्वायर की जगह 7 सी स्क्वायर और बीच में माइनस 2 ए यानी 2 बी और सी यानी 7 सी, चेक करो मल्टीप्लाई करके यही आएगा, तो यहां मैंने कौन सी आइडेंटिटी लगाई, अब मैं लगाऊंगा ए स्क्वायर माइनस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी होल स्क्वायर, ये वाली, तो 5 ए होल स्क्वायर माइनस इसकी जगह ए माइनस बी यानी 2 बी माइनस 7 सी, ए स्क्वायर माइनस 2 बी माइनस 7 सी होल स्क्वायर। अब ये फिर ए है, यहां पे ए को आप 5 ए मान लो और बी को आप मान लो 2 बी माइनस 7 सी, तो इसको लगा के आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी, ए माइनस बी या ए प्लस बी और ए माइनस बी वाली दोबारा लगा लो इस पे, तो हो जाएगा 5 ए प्लस 2 बी माइनस 7 सी और 5 ए माइनस 2 बी माइनस 7 सी। सिंप्लीफाई कर लेते हैं ब्रैकेट के अंदर, 5 ए प्लस 2 बी माइनस 7 सी, दूसरे ब्रैकेट में 5 ए माइनस 2 बी माइनस माइनस प्लस 7 सी, ये आपका आंसर है।